आज हम बहुत ही सिंपल तरीके की हरे चने की ग्रेवी बनाएंगे। तो यदि आपको दाल और सब्जी दोनों अलग अलग बनाने का मन ना हो तो आप इस सब्जी को ट्राई जरूर कीजिए, जिसे आप चावल या रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। प्याज और अचार के साथ तो इस पे सोने पे सुहागा हो जाएगा। ना इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत, ना बहुत ज़्यादा मसाले की ज़रूरत है। प्लस इसी के साथ में आप एक मैजिक इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके इसे बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं। इस चने की सब्जी को बनाने के लिए हमें कुकर का इस्तेमाल करना है। उसी में हमें 1 से 2 टेबलस्पून तेल डालना है। तेल हल्का सा जब गर्म हो जाए उसमें डालिए 1 टेबलस्पून जितना जीरा। उसे थोड़ा सा क्रैकल होने दे, फिर डालिए 5 से 6 दाने मेथी के और 1 टीस्पून जितना अजवाइन। अब उसी में हमें 10 से 15 कड़ी पत्ता डालना है। अब तुरंत ही हमें इसमें एक बड़ा बारीक कटा हुआ प्याज डालना है। उसे अच्छे से ब्राउन होने तक भूनना है। अब इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए मैंने इसमें 1 टीस्पून जितना नमक डाल दिया है, ताकि हमारे जो प्याज है बहुत जल्दी अच्छे से ब्राउन हो जाए और पक भी जाए। इसे लगभग 3 से 4 मिनट आपको लग जाएंगे दोस्तों। अब 2 टेबलस्पून जितना दरदरा कूटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट आपको डालना है। ध्यान रखिए इसे दरदरा कूट के डालिए, इससे स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। अब 1 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लीजिए, ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन निकल जाए। अब एक बड़ा लाल टमाटर बारीक काटकर आपको डाल देना है। थोड़ा सा इसे मिक्स कर लीजिए, अच्छे से उलट पुलट कर दीजिए। और इसी में हमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और उसी के साथ में 1 छोटा चम्मच हींग का डाल देना है। और मैजिक मसाले में इसमें 1 टेबलस्पून जितना पाव भाजी मसाला डाल दीजिए। ये हमारा मैजिक इंग्रेडिएंट है। इसी में हमें 1 टेबलस्पून जितना कसूरी मेथी डाल देना है। अब सभी को अच्छे से भूनिएगा लगभग 5 मिनटों के लिए धीमी आंच पर। मिक्स करने पर आपको इसे ढक्कन से ढक देना है, ताकि टमाटर बहुत अच्छे से गल जाए। तो देखिए हमारे टमाटर भी गल गए। अब बस इसी में हमें रात भर भिगोया हुआ हरा चना डालना है। वैसे दोस्तों मार्केट में हमें चने के 2 प्रकार मिलते हैं, लाल और हरा। यकीन मानिए अगर आपने हरा चना ट्राई नहीं किया है तो इसे ट्राई जरूर कीजिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब बस इसे सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और तुरंत ही इसमें 1 से 2 ग्लास जितना गुनगुना पानी डालना है, या आपको जितनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी रखनी है उतना डाल दीजिए। तो दोस्तों गुनगुना पानी डालने का यही कारण है कि हमारी सब्जी बहुत जल्दी पक जाएगी, साथ ही में जो मसाले हमने डाले उससे बहुत ही सुंदर रंग सब्जी में आ जाएगा। अब नमक अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिए। ध्यान रखिए स्टार्टिंग में हमने 1 टीस्पून जितना नमक डाला था। अब बस फाइनली हमें कुकर का लिड लगा लेना है और लगभग 20 से 25 मिनटों के लिए धीमी आँच पर इसे पकाने छोड़ देना है। 20 मिनटों के बाद देखिए दोस्तों कितना सुंदर जो हमारी सब्जी पक चुकी है, और जो चना वो भी काफी अच्छे से पक चुका है। हमें इस चने की सब्जी को पूरी तरीके से एकदम गलाना नहीं है, नहीं तो वो स्वाद नहीं आएगा। अब बस यदि आपको लगे कि कंसिस्टेंसी बहुत पतली है तो आप इसे थोड़ा पकाने छोड़ दीजिए। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके की ग्रेवी, से ट्राई जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर।